नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इन ओरिजिनल देसी चूजों का ये 12 नंबर दिन का शाम का समय है और अभी मैं इन चूजों को दाना पानी देने के लिए फार्म के अंदर आया हूँ। और दोपहर के समय में इन चूजों को मैंने जो दाना पानी दे के रखा हुआ था, इन चूजों ने दाना खा के ख़त्म कर दिया है और पानी भी गंदा कर दिया है, तो इसे अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। 12 नंबर दिन के शाम के समय में मैंने दोनों ब्रूडिंग रूम के लाइट थोड़ा ऊपर उठा दिया है। ये चूजे अभी बड़े हो गए हैं इसलिए मैंने दोनों ब्रूडिंग रूम के लाइट थोड़ा ऊपर उठा दिया है। अब मैं दोनों ब्रूडिंग रूम के चूजों को दाना पानी दे देता हूँ। इन चूजों ने ये बर्तन बहुत ही गंदा करके रखा हुआ है तो इसे मुझे अभी साफ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी इन ओरिजिनल देसी चूजों को फीड खाने के लिए दे रहा हूँ। 12 नंबर दिन के शाम के समय में भी मैं इन चूजों को स्टेटर फीड खाने के लिए दे रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये चूजे अभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ है और ये चूजे बहुत ही अच्छी तरीके से फीड खा रहे हैं। मैंने इस ब्रूडिंग रूम के चूजों को दाना दे दिया है, अब मैं दूसरे ब्रूडिंग रूम के चूजों को भी दाना दे देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों ब्रूडिंग रूम के चूजों को दाना पानी खाने के लिए दे दिया है और ये चूजे अभी बहुत ही अच्छी तरीके से दाना पानी खा रहे हैं। 12 नंबर दिन के शाम के समय में मैंने इन चूजों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया है, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दे के रखा हुआ है। और 12 नंबर दिन के शाम के समय में इन चूजों को मैंने कुछ भी मेडिसिन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 13 नंबर दिन में इन चूजों को मैं दूसरा वैक्सीन करने वाला हूँ। और 13 नंबर दिन में इन चूजों को मैं क्या वैक्सीन करने वाला हूँ, किस तरीके से करने वाला हूँ, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।